पुनिया जी नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद भाई राजुल जी, सम्माननीय प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा साहब, आदरणीय चांद साहब, सम्माननीय भाई गणेश जी और पूरी पूरी जो टीम है हमारे साथ जुड़ी हुई। सबसे पहले तो मैं आज इस विशेष दिवस पे पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब आज नागपुर में हैं और उनका एक अलग से बड़ा कार्यक्रम था, आज वो जुड़ नहीं पाए, तो मैं उनकी तरफ से भी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 75वां साल हम अपनी आज़ादी का मना रहे हैं देश में और आज संयोगवश हमारा जो है ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो एक अलख या बीज जो बोए थे 75 हफ्ते पहले, ये लगातार बिना किसी बाधा के, बाधा आई, विपदाएं आई, कोरोना आया, कठिनाइयां आई, लेकिन ये जो कारवां है या जो ये एक एक लगातार प्रयास है, इन प्रयासों के कदम कभी भी नहीं डगमगाए। जब शुरुआत की थी आज से 75 हफ्ते पहले, कभी भी नहीं ये सोचा था कि ये इतना बड़ा काम जो है भारतीय शिक्षक शिक्षा के अमूलचूल परिवर्तन के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। मैं रजनीश अरोड़ा साहब से जुड़ा हुआ था, बरसों से जुड़ा हुआ था, मैं चंडीगढ़ में था, आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, राजुल जी भी वहां पे आते थे, आप भी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, तो मैं हमेशा रजनीश जी के अंदर एक अलग सा जो है, अलग से चेहरे पे इनके चमक और इनका ऊर्जा मैं देखता था कि ऐसा इनमें क्या है जो इतनी ऊर्जावान क्यों दिखते हैं, इनकी चलने का और जो स्पीड और डिसीजन मेकिंग जिस तरह से देखता था, तो निश्चित रूप से वो जो ताकत थी उनके अंदर वो मानवीय मूल्यों की ताकत ही थी। जब अमूल्य होते हैं, मानव जो है मूल्यहीन जब होता है तो उसकी ताकत भी क्षीण होती है। जब उसके अंदर, इसको संस्कार कहते हैं, या एक एक जीवन जीने का रास्ता जिसके लिए बिल्कुल साफ सुथरा जो है जिसने बना रखा है कि ये मेरा जीवन का उद्देश्य, क्लैरिटी जहां पे है वहीं पे चेहरे पे मुस्कान है, वहीं पे ऊर्जा है, वहीं पे दम है और उसी व्यक्ति पे दारोमदार है। तो रजनीश अरोड़ा साहब जब एनसीसी आईपी के हमारे जो इंडक्शन प्रोग्राम के अध्यक्ष बने, पूरे देश के 80 लाख बच्चे तकनीकी शिक्षा में, 80 लाख बच्चे, और अब तो हमारी पकड़ जो है स्कूल तक बनती जा रही है, मध्य प्रदेश से हमने शुरुआत की है, भाई गणेश बगड़िया साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया मध्य प्रदेश में, पूरी टीम उनकी आई, उनको सुना और इमीडिएटली वो जो है इस कार्यक्रम के लिए वो तैयार हुए कि आप बच्चों से शुरू करिए, 8वीं क्लास के बच्चों से शुरू करिए, ये प्रोग्राम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में बच्चे ही नहीं, इवन जो वयस्क हैं उन लोगों के लिए भी वहाँ पे एक एक राजकीय जो जो संस्थान बना और उसके अंदर अभी 50,000 वॉलंटियर्स इस तरह से अपने आप काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक उदाहरण बन गया देश के अंदर कि मूल्य आधारित शिक्षा जो है, मूल्यों से जुड़ी हुई शिक्षा जो है वो किस तरह से दी जा सकती है और किस तरह से उसके प्रभाव एक एक जो है पूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। तो मैं तो इस कार्यक्रम के लिए यही कहूंगा, जो ये 75 हफ्ते की हमारी जर्नी है, पहले छोटा छोटा जो भी प्रयास था पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से था, फिर यूपी में विनय पाठक साहब का जो जो कंट्रीब्यूशन था, फिर आदरणीय चेयर चारण साहब का राजस्थान में जिस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा, फिर आंध्रा में हमारा हैदराबाद में IIIT वहां पे रहा, BHU का रहा, तो मैं तो इसके लिए यही कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। इतनी बड़ी लिस्ट आपने, रजनीश अरोड़ा साहब ने जो है 400 से ज्यादा हमारे साथियों की लिस्ट दिखाई है जो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं, और कल जब हम संवाद कर रहे थे तो उसमें ये बात आई कि ये सिर्फ 417 ही नहीं, पूरा परिवार भी आपके साथ में है, परिवार की ताकत भी इनके साथ में है
और तभी इससे जो है इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने शुरू किया और उसी टाइम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई, 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही बातें कही गई जो हमारे ये जो वॉलंटियर्स कह रहे हैं या राजू लस्थाना जी कह रहे हैं या आदरणीय चारण साहब कह रहे हैं, वही बातें उसके अंदर जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर आई कि आप ऐसे मानव तैयार करिए जो मानव अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपना इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन दे कि जो भी उनके एक्शंस हों, जो भी एक्शंस हों, पहले तो उन एक्शंस में क्लैरिटी हो और उस एक्शन से सोसाइटी के अंदर किस तरह से वो हार्मनी ला सकते हैं, दुनिया के चेहरों पे किस तरह से खुशी ला सकते हैं, किस तरह से एक मानव का दूसरे मानव से जो है संबंध को मजबूत किया जा सकता है, मानव मानव का संबंध, मानव का अपने परिवार के साथ संबंध, मानव का प्रकृति के साथ में संबंध, इस संबंध को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी अलग हमारी जो है इसमें जगी, बहुत अपन गति से इसमें अग्रसर हुए। और अभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पे हमारे पास शिक्षक तैयार नहीं है। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सपना है, एक एक जो है ऐसे विद्यार्थी, गुणवान विद्यार्थी तैयार करने का जो सपना है, जो सिर्फ सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं हो कि मेरे को जीवन में पैसा कमाना है, वो जो एक अंधी दौड़ जो देश के अंदर चल रही थी विशेष रूप से हमारी शिक्षा में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं था विद्यार्थी को, क्लियर नहीं था कि मैं शिक्षा क्यों ले रहा हूँ। कभी भी ये क्वेश्चन या इसका आंसर कोई शिक्षक ने नहीं दिया कि वो विद्यार्थी जो स्किल ले रहा है, जो शिक्षा ले रहा है, वो क्यों ले रहा है। हमने ये तरीके बताते गए उनको कि शिक्षा कैसे लेनी है, आपको आपको पैसे कैसे कमाने हैं, आपको पैकेज कैसे लेना है, हम ये हमेशा सिखाते रहे, लेकिन ये कभी उसको ये नहीं बताया कि आपको ये शिक्षा क्यों लेनी है, आपका ड्यूटीज क्या होगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, आपका कर्तव्य क्या होगा, और विशेष रूप से सबसे पहला कर्तव्य अपने आप को समझने में आपका कर्तव्य क्या होगा, अपने परिवार के प्रति आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी एक एक सामाजिक आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आपसे समाज जितनी उम्मीदें लिए हुए हैं विद्यार्थी से, आप किस तरह से जाके समाज में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, आप अपने देश की दिशा और दशा कैसे बदलोगे, और देश दिशा नहीं, ये देश तो इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है और हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है, तो वो रास्ते के ऊपर पूरे विश्व को अग्रसर कराने के लिए ये हमारी युवा शक्ति किस तरह से आगे बढ़ सकती है। और मेरे को तो ये 400 से ऊपर जो आज अपने जो वॉलंटियर्स काम करते हुए दिखे, और जिस तरह से उपासना मैन हमारी जिस तरह से इन चीजों को अच्छे शब्दों में पिरो रही है, तो एक एक ये जो टीम बनी है, मेरे को गुरु नानक देव जी का जो है वो एक 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 याद आता है, एक एक घटना जो है, वो किसी गांव के अंदर गए और गांव के अंदर गए तो उस गांव के अंदर किसी ने उनकी उनकी बात सुनना या उनके प्रति कोई जो आदर दिखाना, किसी तरह का वहां पे माहौल ही नहीं था गांव में। रात रात रुके वहां पे और जाते टाइम उन गांव के लोगों को कहा कि आप लोग खुशी खुशी यहीं रहो, सब लोग इस गांव में जमे रहो, ये पैर जो है अंगद के पैर की तरह से जमा के रखो, आप जो है मजबूती से इस गांव में रहो। उसके बाद वो दूसरे गांव में गए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जो भी गांव था, उस गांव के लोगों ने बहुत बड़ा जो है गुरु नानक देव जी का आदर किया, सत्कार किया, बहुत ही जो एक एक उत्सव जैसा माहौल उस गांव के अंदर हुआ। जब सुबह वहां से गुरु नानक देव जी जाने लगे, लोगों ने जो है उनसे आशीर्वाद देने के लिए लोग आगे बढ़े, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप लोग उजड़ो, आप लोग उजड़ जाओ, मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग उजड़ जाओ। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि गुरु जी कल जो है जो लोग इतना खराब व्यवहार कर रहे थे उनको आपने कहा कि अंगद की तरह से पैर जमा लो, और हम लोगों ने जो है हमारे व्यवहार में कोई कमी रह गई या हमारे आदर सत्कार में कोई कमी रह गई या हमारे मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई या हमारी निष्ठा में कोई कमी रह गई, आप ये करें उजड़ जाओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल उजड़ जाओ ताकि आप जैसे लोग जहां जहां जाओगे वो गांव वो कस्बा आप जैसा ही बन जाए, आप जैसे ही व्यवहार, आप जैसे ही सद्गुण जो है आप लोगों में आ जाए। तो इस तरह से मैं ये जो आशीर्वाद दे रहा हूँ ये वही आशीर्वाद है कि भी आप जगह जगह जो है ये अच्छी चीजें इनका प्रचार प्रसार करो, मेरा ये आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। तो
तो आज के दिन मैं भी इस अपनी टीम को जो है वो AICT के साथ जुड़ी हुई है। AICT तो देश की एक बॉडी है, ऐसी देश के अंदर 30 बॉडीज हैं, और ये तो अपना तो एक देश है, भारत तो एक देश है, ऐसे 200 देश और हैं, 200 से ज्यादा देश और हैं, क्यों नहीं हमारी टीम जो है ये उजड़ के सब देशों में जाए, देश के सब प्रांतों में जाए, सब तरह की शिक्षा में जाए, हमारी मेडिकल एजुकेशन है या फार्मेसी है, आर्ट्स क्राफ्ट या जहां पे भी है हम लोग जाएं, तो हम लोग बिखरे, हम लोग उजड़े, हमारा नेपाल तक जो है जो जो हमारा नाम हुआ है, इवन बांग्लादेश के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे चाहे जितने भी हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन आम जो नागरिक है वहां का वो हमारे इस विचारों से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी भी वहां पे जुड़े हुए हैं, तो ये एक अपने आप में जो है बड़ा काम है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ में ये भी आया कि जो विद्यार्थी पास होकर निकलता है उसमें क्या क्या सद्गुण होने चाहिए, कुछ गुण बना रखे थे, पर ज्यादातर गुण जो है वो रोबोट बनाने जैसे थे, विद्यार्थी को जो है जो स्किल्स जो है कोर स्किल्स है, जो हाथ से काम करने की क्षमताओं वाली बात उसमें बता रखी थी, मानसिक रूप से सोचने की बात बता रखी थी, पर दिल को जोड़ने वाली बात जो है, सामाजिक सरोकार की बात कहीं पे नहीं थी। तो हमारी जो पूरी टीम है, हमारी जो जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम है, और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही थी, AICT को कुछ जिम्मेवारियां दी गई थी, जब इसके अंदर जब ये चर्चाएं हो रही थी, तो हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम हमारे साथ में आई, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि शिक्षा नीति तो तब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपन जब अपने को क्लियर होगा कि बच्चा किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या सद्गुण होने चाहिए, तो उन सद्गुणों को भी हमारी टीम ने जो है अलग से इसके अंदर डिफाइन किया, और जिसको ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, जो 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 अमेरिकन एजुकेशन का सिस्टम है वो भी इसको जो है मानते हैं। तो हमने जो जो एट्रीब्यूट्स बनाए, एक तो कोर स्किल्स वाले बनाए, टेक्निकल वाले पार्ट बनाए जो बने हुए ही थे, जो है कि उसने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जो सीखा है वो उसको ज्ञान को अप्लाई कैसे करेगा, उसे नए सिस्टम कैसे बनाएगा, कोई सिस्टम में फॉल्ट आता है तो उसको वो ठीक कैसे करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो 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 क्या क्या कलाएं उसके पास में होगी, वो नए सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकता है, ये सारी चीजें उसके अंदर थी, टीम में वो किस तरह से जो है अपने भागीदारी हो। लेकिन हमारी जो टीम है, जो उन्होंने जो जो उन्होंने सद्गुण जो प्रपोज किए हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करते टाइम सिर्फ तकनीकी शिक्षा में नहीं, पूरी शिक्षा के लिए जो 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 एट्रीब्यूट इसमें डिफाइन किए हुए हैं, जो शिक्षा के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन मेन जो परिवर्तन होगा, जो दिल से जुड़ने वाला बात है, वो किसी भी तरह की शिक्षा हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन एट्रीब्यूट्स में जो हम लोगों ने सजेस्ट किए हैं इसके अंदर, जो जो भाई राजुल जी और रजनीश जी ने साथ में मिलके इनको बनाए, उसके अंदर ये था कि एक एक जीवन का उद्देश्य क्या हो, उसके बारे में पूर्ण संपूर्ण समझ जो है जीवन के बारे में क्या हो, जब वो निकले ग्रेजुएशन करके तो उसके पास ये धन होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए कि ये जीवन का मेरा उद्देश्य है, इस पथ पे मेरे को चलना है, ये क्लैरिटी बच्चे के दिमाग में लेके आना है। और जो अपन कहते हैं, अपन हम दो बातें कहते थे, AICT हमेशा दो बात कहती थी कि बच्चा टेक्निकली साउंड हो, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, ये दो बातें करते थे हम। लेकिन अब हमारी जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट हमने बनाए हैं, हमने ये कहा है कि वो सोशली रेलिवेंट कैसे हो सकता है, समाज उपयोगी बच्चा कैसे हो सकता है, तो एट्रीब्यूट की जो अलग से बात कर रहे हैं वो सोशली रेस्पॉन्सिबल उसका बिहेवियर, अगर किसी किसी समाज के अंदर किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं तो विद्यार्थी हमारा जो शिक्षा ले रहा है उसकी आंखों में सबसे पहले आंसू आने चाहिए कि मैं इसके आंसुओं को कैसे पहुंच सकता हूं, ऐसी सहृदयता उसके अंदर होनी चाहिए, जो विद्यार्थी है वो प्रकृति के साथ कैसे जुड़ सकता है। आज से 10,000 साल पहले जब वेदों की बात करते हैं, हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे पहले जो शुरुआत ये हुई है उसमें ये कहा हुआ है कि प्रकृति से मानव ऊपर नहीं हो सकता, जो 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 है सब कुछ सर्वोपरि है वो प्रकृति है, प्रकृति की पूजा ही मानव का कर्तव्य है, प्रकृति को प्रिजर्व करना ही मानव का कर्तव्य है, प्रकृति जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में ही इसको रखना है। इवन दोष माना गया, अगर नदी बह रही है उसको कोई रोकता है, उसका दिशा बदलता है तो उसको पापी माना गया, कोई पेड़ काटता है तो पापी माना गया, अगर कोई पहाड़ को भी जो है नुकसान पहुंचाता है तो उसको पाप माना गया, राजा भी अगर इस तरह से करता था तो उसको भी उसी तरह की सजा थी जिसे एक साधारण प्रजा का व्यक्ति करता है। तो एनवायरमेंटल के प्रति उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रकृति के प्रति जो है उसका जो कर्तव्य है उसके बारे में एट्रीब्यूट की बात की गई है, और एक जो मानव जो है उसका कंडक्ट जो है किस तरह से होना चाहिए, उसका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, उसका एक एक, एक जो 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 निष्पक्ष जो आचरण है
वो किस तरह से होना चाहिए, जिसको जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी की बात करते हैं, समाज के अंदर भी हर व्यक्ति को एक समानता का अधिकार, जो जीने का अधिकार है, उसके अंदर हमारा बच्चा जो है इस कैसे उनको स्ट्रेंथन कर सकता है। हेल्थ हाइजीन की बात हमने जो है की है कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। हमारे वेदों के अंदर कभी भी बीमारी की बात नहीं की गई है। हमारे वेदों के अंदर जन्म की बात है, मोक्ष की बात है, और पूरे जो प्रोसेसेस हैं, हमारे जीवन जीने के तरीके इस तरह से हैं जो प्रकृति के साथ सहभागिता में है, उसके अंदर बीमारी है ही नहीं, बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। बीमारी तब आती है जब हम प्रकृति से दूर होते हैं, जब इसके साथ प्रकृति के साथ अन्याय करते हैं। तो हेल्थ हाइजीन की बात भी हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर है, और हर आदमी को जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। तो और सबके प्रति रेस्पेक्ट, सबके प्रति जो है एक एक अच्छा सा व्यवहार, उसकी उसकी बात की गई है। ऐसा मानव तैयार करने की कल्पना, जस्ट मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, ऐसा मानव तैयार करने की कल्पना इसमें की गई है हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर, कि दो साथी थे, दो दोस्त थे, और वो साथ साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते कहीं डेजर्ट में से निकल रहे थे, चलते चलते उनका आपस में किसी बात पे विवाद हो गया, उनका झगड़ा हो गया किसी बात पे, और उन दोनों में से जब झगड़ा उनका हुआ तो एक साथी ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया, थोड़ा मजबूत था वो, और दूसरे के थप्पड़ मार दिया, बड़ा हर्ट हुआ वो जो है, दूसरा साथी बड़ा हर्ट हुआ, दोस्ती थी उनकी, जो साथी हर्ट हुआ वो जमीन पे बैठा, उस रेत पे बैठा, उस डेजर्ट में बैठा, और उसने जमीन पे लिखा, रेत के ऊपर हाथ से लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारा, और ये रेत पे लिख के और अपने साथी के साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाते जाते वो चीज भूल गए जो भी है, चलते चलते कहीं ऐसे एरिया में आगे जहाँ काफी पानी था, तालाब था, गहरा पानी था, दोनों की कुछ नहाने की इच्छा हुई, लेकिन जिस व्यक्ति के थप्पड़ लगा था वो व्यक्ति उस तालाब में जब वो दोनों नहा रहे थे डूबने लग गया। जब वो डूब रहा था तो दूसरा जो मजबूत साथी था जिसने उसके थप्पड़ मारा था उसने उसको उस तालाब से बाहर निकाला। जैसे ही उसको तालाब से बाहर निकाला, उसकी जान बचाई, तो उसने जिसकी जान बची वो बाहर आके एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर वो बैठ के उस पत्थर पे उसने पत्थर से ही लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई, पत्थर से लिखा। तो उस दूसरे दोस्त ने कहा, जब थप्पड़ मारा मैंने आपके, तब आपने मिट्टी रेत पे जो है लिखा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे आज थप्पड़ मारा, मेरे को हट किया, और जब मैंने आपको इस पानी से निकाला तब आपने पत्थर पे जो है उसके अंदर खुदाई की है एक तरह से इन शब्दों की, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि खराब चीजें जो है, खराब बातें, खराब व्यवहार थोड़े समय के लिए, जैसे ही वहां पे हवा तेज चलेगी, आंधी चलेगी, वो शब्द मिट जाएंगे, मैं भूल गया उनको, लेकिन जो अच्छा काम आपने किया है वो सब लोगों के लिए एक उदाहरण बने, इसलिए मैंने इस पत्थर पे लिखा है ताकि सब लोग इसको देख के सब लोग इस चीज को याद करें। तो ऐसा ही प्रयास जो है, हमने जो एट्रीब्यूट्स बनाए, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, ऐसी सोच हमारे विद्यार्थियों की हो तभी ये देश का स्वरूप बदल पाएगा, तभी ये देश अलग से हमारा दिखेगा। तो ये एट्रीब्यूट्स हमारा जो सजेशन है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने माना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जब अपनी सारी जो आउटकम, सब तरह की शिक्षा के अंदर जो गतिविधियां उनको करनी है, जब वो इस चीज का अध्ययन किया तो इस चीज को उन्होंने इसी तरह से माना है जिस स्वरूप में अपन ने दिया है। अगली स्लाइड भी इसमें शायद मेरे हिस्से की होगी। हाँ, और जब हम टेक्निकल एजुकेशन में, जब ये जो हमने इंडक्शन प्रोग्राम किए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का सब्जेक्ट हमने कोर सब्जेक्ट लेके आए, तो हमने देखा कि विद्यार्थियों की सोच और शिक्षकों का आपस में जो संबंध था, कुछ और प्रोग्राम्स में गया भी, अब तो नहीं जा पाए साल डेढ़ साल से, लेकिन जब ये हमारा इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, कुछ जगह मेरे को जाने का मौका मिला, जब उनका 21वां दिन खत्म होता था, उस टाइम उन बच्चों के चेहरों पे जो रौनक दिखती थी, या शिक्षकों से उनका जो, क्योंकि वो तो नए बच्चे थे, स्कूल से आए हुए थे, कॉलेज में आए, पहली बार आए, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में टेक्निकल एजुकेशन अलग अलग ब्रांचेज हैं, कोई किसी ब्रांच में चला जाता है, कोई किसी ब्रांच में चला जाता है, और वो सब शिक्षकों से जो भी नहीं पाता, लेकिन इस इंडक्शन प्रोग्राम ने ऐसी उनकी दोस्ती कराई, ऐसे संबंध बनाए कि ऐसे लगता है कि वर्षा बच्चा वो 21 दिन से नहीं, 21 साल से इस प्रांगण में रह रहा है, ऐसा माहौल हमने देखने को मिला। रिलेशनशिप वहां पे मजबूत हुई, उनकी सोच जो है, उनका जो अफेक्शन है, वो परिवार की जो भावना है वो वहां पे आई, और उसको लगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप चाहे तमिलनाडु में हो, मैं या पंजाब में शिक्षा लेने आया हूँ, या बिहार में शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा तो ये बहुत बड़ा परिवार है, उसने तो अपने आप उसको अपना परिवार बना लिया। रिलेशनशिप ऐसी हुई कि हमें रैगिंग के केसेस, जब मैंने 2017 में AHT ज्वाइन किया था,
ज्यादातर समय हमारे पास शिकायतें ऐसी आती थी कि इस एक बच्चे ने रैगिंग ली, उसको जो है इस तरह से अट किया, हम कमेटियां भेजते थे। ज्यादातर टाइम इस कमेटियां भेजने में ये रैगिंग को किस तरह से रोकें इस पे लगता था। आश्चर्य की बात है कि उसके बाद जब ये इंडक्शन प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ, जिसके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू भी हमारा एक कंपोनेंट है, भारतीय ज्ञान परंपरा भी जो है उसके अंदर पढ़ाते हैं कि कैसे प्रेम, कैसे अफेक्शन जो है हमारी हमारी संस्कारों के अंदर है, ये चीजें जब साथ में बच्चे उठते बैठते खाते खेलते जब जब ऐसा माहौल हमने दिया, तो ये जो जो रिलेशनशिप इतनी मजबूत हुई, रैगिंग वगैरह का नाम ही जो है उसके अंदर खत्म होने लग गया, बच्चों में कमिटमेंट इतना, शिक्षक के प्रति जो उनका व्यवहार, उनकी उदारता, उनके जो संबंध है वो मजबूत होने लगे, और एकेडमिक्स के प्रति भी, एकेडमिक रिजल्ट्स का भी हमें ये लग रहा है कि एकेडमिक रिजल्ट भी इम्प्रूव हो रहे हैं। और इवन जो इंडस्ट्रीज कह रही है कि बच्चा हमारे हिसाब से तैयार नहीं है, बच्चा हमारे काम का नहीं है, बच्चे के सॉफ्ट स्किल्स ये नहीं है, अब जो जो स्टडीज आ रही है उसके हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी भी बच्चों की इंक्रीज हुई है, कम से कम 6-7% जो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव हुई है। और ये लगता है कि प्रोस्पेरिटी जिसको अपन कहते हैं कि वो प्रोस्पेरिटी धन धान्य के नहीं, प्रोस्पेरिटी जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने का जो जो एक आनंद है, वो प्रोस्पेरिटी भी हमारे बच्चों के अंदर आई है। ये एज ए रेगुलेटर मेरा विश्वास है इसके अंदर, शायद इससे एडमिशन भी हमारे बढ़ रहे हैं। इवन एक उदाहरण जो है IIIT में एक हमारे एम्प्लॉय का, AICT का एम्प्लॉय है, उसके बेटे का IIIT दिल्ली के अंदर एडमिशन हुआ। अब जब एडमिशन हुआ, लोग उसको कहने लगे कि यार आप UK वगैरह क्यों नहीं जाते, आप में तो इतना पोटेंशियल है, इंडिया में क्या रखा हुआ है, कौन सी जो है IIIT है, आप तो UK में आपका बहुत बड़ा जो है इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। बच्चा कंफ्यूज हो गया, वो फाइनली घर आ गया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा। हमारा जो जो साथी यहाँ पे कर्मचारी था वो मेरे पास आया कि सर कैसे करें, वो बच्चा तो मान ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि जो है मैं तो यहाँ नहीं पढ़ूंगा। खैर ऐसा समय इस तरह से आया कि वहां पे उसी टाइम वो इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ। एक आध दिन बच्चा वो जो है, चाहे इच्छा नहीं थी उसकी यहाँ इंडिया में रहने की, लेकिन वो इंडक्शन प्रोग्राम में चला गया, वो प्रोग्राम चल रहा था। इंडक्शन प्रोग्राम का उसने ये 15-21 दिन का सिलेबस देखा, एक्टिविटीज देखी, जिसने जो सारा कुछ पढ़ा, फिर बाद में पता चला कि ऐसे मानव मूल्यों पे हमारा जो है एक सब्जेक्ट भी है। उसने वहां पे UK में उस बच्चे ने अपने मामा वगैरह से बात की कि मामा जी वहां जो इंजीनियरिंग कराते हैं वहां पे किस तरह का सिलेबस होता है। जब उसका और इसने कंपेयर किया, उसने कहा यार वहां तो इस तरह की बात ही नहीं होती, संबंधों की कोई बात ही नहीं होती है। उस बच्चे ने इस इंडक्शन प्रोग्राम से प्रभावित होके यहाँ पे IIIT में एडमिशन ले लिया, और वो बच्चा अब शायद वो मेरे हिसाब से 3rd ईयर में अब एंटर हुआ है। माँ बाप बहुत खुश है, बच्चा यहीं पे है और बहुत बड़ा योगदान देगा। तो एक तरह से बच्चों में स्टेबिलिटी भी आई है, बच्चों में क्लियरिटी भी आई है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक साथ काम करने की बच्चों की क्षमताएं और एम्प्लॉयबिलिटी की मैं बात कर ही रहा हूँ। इवन ये लगता है कि फैकल्टी को भी जो हमने जोड़ा, हजारों हजारों शिक्षक हमारे जो है ट्रेनिंग लेके, मेरे हिसाब से फिगर 50,000 से ऊपर है जो ये 1.5 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। जो शिक्षक एक संस्थान से दूसरे में, दूसरा अगर 2,000 रुपये देता था पास वाला कॉलेज वाला, वो टीचर यहाँ से छोड़ के उसमें चला जाता, कोई ओनरशिप लेता ही नहीं था। अब ये लगता है कि वो शिक्षक भी इस तरह से जो है जाना कम हो गए हैं, और सुसाइड के केसेस भी काफी ज्यादा इसमें आते थे। हमारे पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठता था कि इतने बच्चे जो है ये टेक्निकल एजुकेशन के इतने सुसाइड क्यों करते हैं। अब मेरे को लगता है न जो पार्लियामेंट से ऐसा क्वेश्चन आता, न कोई संस्थान से हमें आता कि कोई बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कोई एजुकेशन के प्रेशर में कोई उसने सुसाइड कर लिया, या उसके दोस्त नहीं थे इस वजह से सुसाइड कर लिया, ऐसा हमारे पास सामने उदाहरण ही नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे को इसमें देखने को मिलता है। अब इस कार्यक्रम को जो शुरुआत करने वाले थे, वर्षों से इसका जो बीज बोने वाले थे, जो एक हमारे पथ प्रदर्शक थे, प्रोफेसर ऋषि राज बोर्ड साहब, मैंने भी उनके साथ में शिक्षा ली है, मैंने भी जीवन काफी जीवन मेरा जो है उनके साथ जिया, कम से कम 10 साल तो मैं उनके साथ जुड़ा रहा। ये कोरोना की जब विपदा आई देश के ऊपर, तो उनका कोरोना के अंदर जो है अवसान हुआ, वो इस धरती पे नहीं रहे, लेकिन उनका दिखाया हुआ रास्ता, उनकी यादें, उन्होंने जो संस्कार हमें दिए हैं, हम ऐसे ऐसे महान महान देशभक्त को, महान निष्ठावान व्यक्ति को हमारी तरफ से जो है श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके नाम पे जो AICT ने फरवरी 2021 के अंदर एक डिसीजन लिया था कि इनके नाम पे हम एक राष्ट्रीय अवार्ड देंगे ऐसी संस्थानों को जो इस मानवीय मूल्यों की शिक्षा को ज्यादा ढंग से, ज्यादा अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उन संस्थानों को हम जो है
अवार्ड देंगे, उसका एक परफॉर्मा तैयार करने का काम जो है हमारी टीम कर रही है। हमारे नीतू भगत जो है जो AICTC से देख रहे हैं, उनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, सतत जो प्रयास करती हैं, बिना थके हुए जो प्रयास करती हैं, बिना इरिटेट हुए प्रयास करती हैं, और काफी प्रेशर भी उनके पास आते हैं, तो वो जो हमारी यहाँ पे टीम का जो नेतृत्व कर रही है, उस टीम ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा काम किया। आज 75वीं FDP है, हम परफॉर्मा इनको अवार्ड देने का तैयार कर रहे हैं, और जो अच्छे संस्थान जो देश के अंदर होंगे उनको हम इसके थ्रू सम्मानित करेंगे। तो 100वां जो FDP हमारा आएगा 25 हफ्ते बाद जो आएगा, उसको हम जो है उस टाइम हमारा ये तैयार होगा, उस टाइम हम उम्मीद करते हैं कि इनके नाम पे ये अवार्ड जो है हम दे पाएंगे, देश को समर्पित कर पाएंगे। और हमने एक जो है डॉक्यूमेंट भी बनाई, पूरी टीम को इसके लिए बधाई, जो होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जो पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, किस तरह से हमारी इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को हम आज चला रहे हैं, कैसे आगे चलाएंगे, इवन इसके ऊपर माइनर डिग्री का भारतीय ज्ञान परंपरा पे भी और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे भी जो माइनर डिग्री का इसके अंदर कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी काफी प्रयास करके, और जो हमारी उसके अंदर थीम होगी, जो उसके अंदर कोर्सेज होंगे, कैसे माइनर डिग्री दी जाएगी, वो भी इस ये डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया गया है। इसके लिए भी मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा, और ये कॉपी जो है मेरे पास में भी अवेलेबल है, बहुत सुंदर जो है बनके आई है, पूरी टीम का बहुत बड़ा प्रयास है, और ये भी एक जो है हर एक बच्चे के लिए, हर एक टीचर के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से। तो मेरी तरफ से फिर से जो है शुभकामनाएं, और ये डॉक्यूमेंट आज हम जो है पूरे देश के शिक्षक के जो जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनको समर्पित करेंगे। तो ये शुभ अवसर है, आप सभी श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अपेक्षा आइए संयोग को यादगार बनाते हैं, और इस डॉक्यूमेंट रिलीज के साथ में जिसका पुनिया सर ने अभी अनाउंसमेंट किया, तो सभी लोग कैमरा ऑन करके तालियां बजाते हुए इस शुभ अवसर को कैप्चर करने का है ना एक सुअवसर इसको अवेल करते हैं। सभी से निवेदन है, बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सभी से ये भी निवेदन कि ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, आपके जो आप तक चिट्ठी पहुंची है, जो आप तक इनविटेशन पहुंचा है, उसमें ये डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है, इसको पढ़ें, आपके फीडबैक की हम सभी को हृदय से अपेक्षा रहेगी। तो कोटिशय धन्यवाद VCM सर, आपके आशीर्वचनों के लिए भी, और आपके AICT की पूरी टीम के सत प्रयासों के लिए भी।